नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। कोरोना के कहर के चलते रविवार को उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, शनिवार रात 8 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया था, क्योंकि सहारनपुर में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए नाइट कर्फ्यू भी जारी है, जिसके चलते रात्रि 8 बजे से सोमवार के सुबह 7 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसके चलते लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। वहीं सड़कें और बाजारों को सैनिटाइज किया गया, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र के जनता रोड और देहरादून रोड पर भी सहारनपुर में पुलिस ने सख्ती दिखाई और यहां पर सड़कों पर किसी को निकलने नहीं दिया गया। छुटमलपुर के थाना फतेहपुर में एक दिन के कर्फ्यू को लेकर फतेहपुर पुलिस अलर्ट दिखाई दी। छुटमलपुर में पूर्ण रूप से मेडिकल स्टोर व दूध की डेयरी आदि को छोड़कर सभी बाजार बंद रहा। सड़कें सुनसान नजर आई और पुलिस लगातार सड़कों पर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को घर में रहने के लिए सचेत करती रही। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार के द्वारा लागू किए गए रविवार का लॉकडाउन का अच्छा खासा असर सहारनपुर में भी देखने को मिला। रात के करीब 8 बजे से पुलिस ने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराने शुरू कर दिए थे। योगी सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सहारनपुर के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी, तथा 8:30 बजते ही मानो शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गई। इधर पुलिस प्रशासन ने भी योगी सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करते हुए शहर में बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करते हुए पुनः ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा व एसपी सिटी राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी प्रथम चंद्रपाल शर्मा और अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लगातार लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए अपील करते रहे। इधर नगर कोतवाल पंकज पंत, थाना मंडी प्रभारी बीएस रावत, थाना कुतुब शेर प्रभारी विनोद कुमार सिंह, थाना जनकपुरी प्रभारी अवनीश गौतम, थाना सदर प्रभारी हरिंदर सिंह और थाना देहात कोतवाली प्रभारी उमेश रोड़िया सहित अन्य थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराते दिखाई दिए। यही नहीं, पुलिस प्रशासन के द्वारा जरूरी सेवाओं जैसे चिकित्सा, दूध की डेयरी, सब्जी की दुकानों को भी अलग रखा गया। बता दें कि शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 35 घंटे की इस बंदी के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर शहर के सभी पार्षद के सहयोग से गली मोहल्ले में चूने का छिड़काव, सैनिटाइजेशन में साफ सफाई की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया। वहीं शहर में तैनात किए गए ट्रैफिक वार्डनों ने भी लोगों को जागरूक किया और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सभी से अपील की। कल शाम 8 बजे से ही यहाँ पे लॉकडाउन लगा है, जो सोमवार को प्रातः 10 बजे तक रहेगा। इसका सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। आप देखेंगे कि पूरे बाजार बंद है, अनावश्यक रूप से कोई भी यहाँ पे घूमता हुआ नहीं मिलेगा आपको। पूरी सख्ती की जा रही है, केवल आवश्यक सेवाओं को लेकर और किसी को अपरिहार आवश्यकता है वही इक्का दुक्का लोग सड़क पे दिखेंगे, तो इसको हम बहुत ही कड़ाई से यहाँ पे लागू किए। सर, अभी तक उल्लंघन का मामला सामने आया कोई? अभी कोई भी उल्लंघन का मामला सामने नहीं आया। एक दो गरीब हैं मिले जो मास्क नहीं लगाए थे, उनको पुलिस की तरफ से मास्क दिया गया और समझाया गया है। लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, लोगों से अपील भी की जा रही है, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है। ये सहारनपुर के जनपद सहारनपुर के अंदर जो 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें हमारे ट्रैफिक वार्डनों का पूरा सहयोग है प्रशासन के साथ, और पब्लिक भी हमें सहयोग कर रही है। पब्लिक भी ज़्यादा बाहर नहीं निकल रही, और वही लोग केवल बाहर निकल रहे हैं जिनको ज़्यादा इमरजेंसी है, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाना या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो या डॉक्टर, इनके अलावा और कोई आदमी ऐसा बाहर नहीं हमें नज़र में आ रहा। हम चेक इन भी यहाँ कर रहे हैं प्रशासन के साथ, केवल वही लोग हैं, किसी के पास दवाई का पर्चा है या कोई अपनी दूध की डेयरी वाला है, इस तरीके के लोग निकल रहे हैं। प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है और हम लोग भी लोगों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि भैया ये कोरोना की पॉजिटिव जो महामारी है, इससे खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क के अलावा बिल्कुल ना निकलें। इसमें जनता का सहयोग मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है, यातायात पुलिस से और हमारी ड्यूटी लगी है पूरे नगर क्षेत्र में। हमारे ट्रैफिक वार्डन्स जगह जगह जाकर के हर चौक पर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। पूरे शहर में जगह जगह जाकर ये प्रचार कर रहे हैं हम लोग, और ड्यूटी भी लगी हुई है क्योंकि आजकल पुलिस चुनाव ड्यूटी में लगी हुई है। ज़्यादातर हम लोगों की ये जिम्मेदारी दी गई है कि जगह जगह जाकर के आप लोगों को प्रेरित करें और समझाएं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, महामारी का एक ऐसा समय आ गया है जो इस समय अस्पतालों में बीमार के लिए जगह नहीं है और बड़ी परेशानी हो रही है। कोई पैसा भी काम नहीं आ रहा और जान पहचान भी काम नहीं आ रही। जान पहचान की जगह काम आ रहा है मास्क। यदि आप मास्क लगाएंगे तो यदि दोनों ही आदमी मास्क लगा के रखें तो मुझे उम्मीद है कि 90% कोरोना की बीमारी नहीं होगी।
यदि एक आदमी मास्क लगाता है तो ये समझे कि 50% नहीं बचता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों आदमी मास्क लगा कर रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। जनहित में हमारे ट्रैफिक वार्डन्स पूरे शहर में लगे हुए हैं, हम लोग भी जगह जगह जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि मास्क जरूर लगाइए। अगर आपने स्वयं इस बीमारी से बचना है तो स्वयं ही इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, मास्क लगा करके, 2 गज की दूरी बना करके, सैनिटाइजर इस्तेमाल करके। दूसरी मैं एक और खुशी की बात बताता हूँ कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे भी हमें बड़ा लाभ मिल रहा है, हमें क्या जनता को भी लाभ मिल रहा है। यदि कहीं पत्रकार बंधु दिख जाते हैं तो उन्हें देखते ही जनता क्या करती है, एकदम मास्क लगाना शुरू करती है, तो कम से कम इतना डर तो है कि पत्रकारों से कहीं फोटो ना ले लें तो तुरंत वो अपना मास्क लगा लेते हैं। तो पत्रकार बंधुओं का भी बड़ा सहयोग है इस महामारी बीमारी में, मैं धन्यवाद करता हूँ पत्रकार बंधुओं का भी और अपने ट्रैफिक वार्डन का भी, और जनता का भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। ऐसी बात नहीं कि जनता इसका हमें सहयोग नहीं कर रही या जनता इसका पालन नहीं कर रही, जनता भी 100% लोग मास्क लगा करके चलते हैं, ये मैंने देखा है। लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करता हूँ वो भी अपने क्षेत्रों में इस बात को प्रचारित करें कि मास्क जरूर लगाएं, लापरवाही ना करें, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि उनके बच्चे या थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो भी इस बात का पालन करें। हालांकि हमारे मुस्लिम ट्रैफिक वार्डन बहुत हैं और बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करूँगा। और आप लोगों का शासन के निर्देश के क्रम में 35 घंटे का यह हर संडे को बंद किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य यह है कि यह सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर लिया जाए ताकि जो लोगों का फुटफॉल मैक्सिमम सड़कों पे और भीड़ भाड़ होती है उसको रोक करके कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जाए। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल बंदी है आज की, और इसमें जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे दूध का है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, दवाएं हैं, और लोगों के जो जीवन से जुड़ी हुई जो ऐसी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जैसे कि अंत्येष्टि हुआ, विवाह हुआ, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो वो उन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है प्रूडेंशियली। और आज का पब्लिक का भी पूरा सहयोग है, बहुत ही सक्सेसफुल बंदी है और यह हर संडे को अग्रिम आदेश तक चलती रहेगी। सैनिटाइजेशन को बता दीजिए सर, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है? हाँ, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, पूरे नगर का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो आउटर पे नगर निकाय हैं जैसे नगर पंचायत है, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पे पूरे वार्डों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, और सभी वार्डों में इसके पहले भी जो एंटी लार्वा ट्रीटमेंट वगैरह करा दिया गया है ताकि जो अन्य संक्रमण करने वाली बीमारियां होती हैं वो न फैलें, और कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सभी ऑफिसेज और सभी वार्डों में लगातार सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की जा रही है।